नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। कन्नौज जनपद की कोतवाली तालग्राम क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में चौकी सलेमपुर का पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, क्षेत्र अधिकारी नगर कमलेश कुमार, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक थाना प्रभारी कपूर कुमार और अन्य अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि इस नए चौकी के उद्घाटन से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी और स्थानीय निवासियों को समय पर सहायता प्राप्त हो सकेगी। सलेमपुर चौकी की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा में वृद्धि करना है, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकेगी। यह चौकी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे कानून व्यवस्था और भी मजबूत होगी, नागरिकों को त्वरित सेवा मिलेगी। चौकी का भी निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभाए और आप लोगों के सहयोग से एक बहुत ही सुंदर ये आज थाना तालग्राम क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर चौकी के नए भवन का उद्घाटन किया गया। इसमें थाना तालग्राम पर शिशु 50 SP कपूर यहाँ पे नियुक्त थे। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए और यहाँ पे ग्रामवासियों के सहयोग से और सलेमपुर के ग्राम प्रधान के विशेष सहयोग से इस चौकी के भवन का निर्माण किया गया, जिससे आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें पुलिसिंग करने में और बेहतर कार्य करने में पुलिस को मदद मिलेगी। मैं इसके लिए यहाँ पे जो SP कपूर और यहाँ के ग्राम प्रधान मधुरेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। और जब पुलिस और पब्लिक मिलकर काम करती है हमेशा बेहतर रिजल्ट आता है।